हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, डिजास्टर इन सिक्किम, हाउ डू ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैपन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, ये जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट और यहाँ पे फ्लड कैसे होता है, यहाँ पे ये समझाया गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। एटलीस्ट 8 पीपल वर डेड इन 48 एंड 48 अदर इंक्लूडिंग 22 आर्मी पर्सनल वर मिसिंग आफ्टर साउथ लोनक लेक, अ ग्लेशियल लेक एट द हाइट ऑफ 17,000 फुट इन नॉर्थ वेस्ट सिक्किम, बर्स्ट फॉलोइंग इंसेंट रेन लीडिंग टू अ फ्लैश फ्लड डाउन स्ट्रीम। द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF लेड टू अ तीस्ता स्पिलिंग ओवर इट्स बैंक इन द एटलीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट्स, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड। तो आप देखिए, यहाँ पे ये फ्लैश फ्लड आ चुका है, टीस्टा इधर से उधर स्पिल ओवर हो चुकी है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके इफेक्ट्स हमने देखे हैं। और आप देखिए, 22 आर्मी पर्सनल भी यहाँ पे मिसिंग है और 8 पीपल ऑलरेडी यहाँ पे मर चुके हैं, और 48 में से 22 आर्मी पर्सनल भी मिसिंग है। और यहाँ पे लोनक लेक है साउथ में, और ये आपके वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट सिक्किम। आप देखिए, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे उठाते हैं थोड़ा सा सिक्किम, ये सिक्किम है। नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो इस तरफ में मतलब नेपाल के बॉर्डर की तरफ, तो नेपाल के बॉर्डर की तरफ में ये लेक है। द लेक आउटबर्स्ट इन पोर्शंस ऑफ लोनक लेक कॉज्ड राइज इन वाटर लेवल्स विथ वेरी हाई वेलोसिटीज नियर अबाउट 15 मीटर पर सेकेंड क्रॉस द CWC सेंट्रल वाटर कमीशन मिली साइट मेजरिंग 227 मीटर नियर अबाउट 3 मीटर अबव द डेंजर लेवल एट 06:00 AM, मतलब सुबह 6 बजे। ये आपके वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला है। फॉर ईयर्स सेवरल स्टडीज हैव फ्लैग्ड एंड रैपिडली ग्रोइंग साइज ऑफ साउथ लोनक लेक ड्यू टू ग्लेशियल मेल्ट ग्लेशियर मेल्ट एंड हैव कॉशन इट्स ससेप्टेबिलिटी टू GLOF। GLOF क्या है आपका, आप देखिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो जो ग्लेशियल लेक है, पहली बात आप समझिए, ग्लेशियर है, ग्लेशियर मेल्ट होगा वहाँ पे पानी के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे आइस होगा, पानी बढ़ेगा, इससे जो फ्लड आएगा वही हो गया आपका ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब देखते हैं क्या है आपका ग्लेशियल लेक। दीज आर द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर डेट सिट इन फ्रंट ऑफ ऑन टॉप ऑफ और बीनीथ अ मेल्टिंग ग्लेशियर। तो जो मेल्टिंग ग्लेशियर के पास में ये बॉडीज है, दे आर मोस्टली डैम्ड बाय अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट्स कंपोज ऑफ लूज रॉक एंड डेब्रिज एंड दस बिकम मोर डेंजरस एज दे ग्रो बिगर। अ ब्रीच इन लेक वॉल लीड्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रशिंग डाउन द माउंटेन एंड कॉजिंग वॉट इज कॉल्ड अ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, दैट इज GLOF। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कैन बी ट्रिगर्ड बाय सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग द अर्थक्वेक, वेरी हैवी रेन एंड आइस एवलांचेज। तो आप देखिए, ये अर्थक्वेक, हैवी रेन, आइस एवलांचेज से भी हो सकता है। टॉम रॉबिन्सन, प्रोफेसर ऑफ डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, हैड टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस। तो इन्होंने ये चीज़ बोला। द PTI रिपोर्ट ऑन वेंसडे इवनिंग कोटेड द अननेम्ड CWC ऑफिशियल as saying the earthquake that hit Nepal on Tuesday afternoon might be cause of the flooding. The lake was already vulnerable and was spread across 168 hectare. Its area has now reduced to 60 hectare. So about 100 hectare of volume of water has breached the level. तो आप समझ रहे, 100 hectare volume of water निकल चुका है। In 2013, glacial lake outburst flood caused by the Chorabari ताल ग्लेशियर लेक कॉज थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स इन उत्तराखंड। तो ये चोराबरी, आपको मैं आपको याद दिला दूं, ये आपका केदारनाथ वाला ही ग्लेशियर है जहाँ पे ये हुआ था, तो केदारनाथ का फ्लड आया था। अब देखिए, साउथ लोनक क्या है। विथ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर ग्लेशियर इन सिक्किम हिमालयाज हैव बीन मेल्टिंग। तो सिक्किम में जो हिमालयाज है वो मेल्ट हो रहे हैं, गिविंग राइज टू मेनी ग्लेशियर लेक एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग लेक इन द रीजन। The number of glacial lakes in the Sikkim Himalaya are currently estimated more than 300. So, 300 से ज़्यादा यहाँ पे glacial lakes हैं। Several of which have been identified as being vulnerable to outburst flood. तो उसमें से कई जाना vulnerable हो चुके हैं। The South Lonak Lake has been under observation for years.
पेपर बाय विनय कुमार एंड टी एस मुरुगेश प्रभु फॉर द गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट मैपिंग ऑफ ग्लेशियल लेक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस बेस्ड ग्लेशियर लेक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इन सिस्टम फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम सेड लोनक हैज़ ग्रोन नियरली 1.5 टाइम्स एंड साउथ लोनक नियरली 2.5 टाइम्स ऑफ देयर इनिशियल साइज इन 1989। तो आप देखिए लोनक लेक एक है, साउथ लोनक एक है, तो ये साउथ लोनक का भी हुआ है और ये बोला जा रहा है 1989 के लेवल से ये 2.5 टाइम्स बड़ा हो चुका था ऑलरेडी, तो ये पहले ही वल्नरेबल था। एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 ऑन सितंबर 21, 1991 एज रिपोर्टेड बाई US जोग्राफिकल सर्वे नियर द पेरेंट ग्लेशियर फीडिंग द साउथ लोनक लेक एंड द रिसेंट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9 ऑफ द सितंबर 18, 2011 अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर फ्रॉम द लेक एंड फ्यूचर अर्थक्वेक में ट्रिगर द GLOF इवेंट। GLOF क्या है मैंने आप लोगों को बताया है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और आपका ये फ्लड। इन 2016 द SSDMA सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सिक्किम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू साइफन ऑफ वाटर फ्रॉम द साउथ लोनक लेक 3.8 इंच 3.8 इंच वाइड ऑफ 130 to 140 मीटर लॉन्ग हाई डेंसिटी ऑफ पॉलीथीन पाइप वर यूज टू टेक आउट पॉलीथिलीन पाइप वर यूज टू टेक आउट वाटर अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ सिक्किम। तो आप देखिए यहाँ पे साफ सी बात हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, चलिए देख लेते हैं एक बार। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देखिए सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लोनक लेक, ये आपका साउथ लोनक लेक है, ठीक है, साउथ लोनक लेक इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड आप देखिए ग्लेशियल लेक, ग्लेशियल लेक क्या होते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर्थ आप देखिए GLOF ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। फिफ्थ डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स में आप लोगों को पढ़ना है कैसे क्या होता है, ठीक है। और आप देखिए ये साउथ लोनक मेल्टिंग ग्लेशियर क्यों प्रॉब्लम है, मेल्टिंग ग्लेशियर हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम है। आप देखिए टीस्टा स्पिलिंग ओवर तुम्हारे लिए तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके कौन से ट्रिब्यूटरी है, कौन से स्टेट से होती है, कवर करती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है, ये यहाँ पे सिक्किम वेस्ट बंगाल होके यहाँ पे मिलती है और ये इधर है, तो आप देखिए ये आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो ये हमारे लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और बस इस आर्टिकल में तीस्ता आप पढ़िए, ब्रह्मपुत्र पढ़िए, मेल्टिंग ग्लेशियर पढ़िए, GLOF पढ़िए, पता होना चाहिए वर्ल्ड एसोसिएशन ग्लेशियर लेक क्या है, लोनक साउथ लेक कहाँ पर है, बोल देंगे ये हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए सिक्किम में है और इसमें अर्थक्वेक के वजह से भी आपका फ्लड आ सकता है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।